गाड़ी को पिक करने जा रहे हैं। Wait, before the video starts, I have a request कि please subscribe the channel because I have set a goal of 1000 subscribers before New Year. और वीडियो पूरी एंड तक लाजमी देखें। जो भी गाड़ी के इश्यूज़ हैं वो एक्चुअली रिजॉल्व हो चुके हैं अब तक। अब गाड़ी न्यू परचेस करते हैं वो इश्यूज़ सारे आते हैं जो गाड़ी आपको अपने तरीके से सेट करनी पड़ती है, और कोई मेजर इश्यूज़ नहीं थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी रिजॉल्व है और डेली यूज़ में आती है। सब चला रहे हैं, उमर चला रहा है, अनस भी चला रहे हैं, अबू भी चला रहे होते हैं, मैं भी चलाता हूँ। उसको यूनिवर्सिटी तक भी लेके गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन चल रही है। और कुछ मसले जो शुरू में आए वो आपको दिखाता चलता हूँ। तो चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। उसी से घर आए और इधर पता चला है कि गाड़ी अगले दिन ही खुली पड़ी है, क्योंकि अब्बा जी अपने हाथ के हिसाब से सेट कर रहे हैं गाड़ी को। रेडिएटर का ये जो फैन था ये यहाँ लगा हुआ था, ये बिल्कुल पुली के ऊपर चढ़ा हुआ था। इस वाली मतलब ये पुली और ये बिल्कुल आपस में रिवॉल्व कर रहे थे, ऐसे हेलीकॉप्टर के दो फिन्स होते हैं। वो इधर कर दिया, उसके बाद ये खोलें, उसके बाद उमर भाई भी कुछ काम करने लग गए। अब ये पेंट किया है उन्होंने, फर्स्ट काम एवर इन हिज हिस्ट्री ऑफ। मैंने उतारा था रिजर्वायर पावर स्टीयरिंग का। अच्छा, और क्या किया है? ये पावर स्टीयरिंग का ये क्लैंप उतार दिया जो बताया था वो लीक हो रहा था। वो अब नया सेटअप करने लगे हैं, उसके रिजर्वायर उतार के इधर कहीं लगा रहे हैं इस बॉटल के साथ जो पानी की अभी यहाँ नहीं है वो जगह पैक। तो ये जगह बिल्कुल ही कंजस्टेड हुई हुई थी। उस पाइप का पता था हशर हुआ हुआ था जो दिखाई थी, लीकेज थी उसमें सारी। वो दोबारा अब उसका मुँह ओरिजिनल जगह पर लगा के उधर से ही बेशक घुमा के पाइप ये ले आएंगे। बाकी मैकेनिकल काम ये छोटे मोटे ही हैं। आप गाड़ी 10x10 है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। पर हमें मसला होता है कि यार हमारे हाथ से सेट हुई हुई चीज़ हो और वो पता चले कि यार किसी ने सेट किया, ये नहीं कि भाई पूरी किया बस लमसम काम चला के स्वाप हो गया जी गाड़ी चल रही है, वो नहीं मज़ा। तो मैकेनिक के पास भी जा सकते हैं यार, पैसे लगाने में क्या मसला है। पर अपनी चीज़ वो मैकेनिक के पास ही थी पहले, जो उसने वो क्लैंप लगाया हुआ था वो मैकेनिक ही था। तो वो मैकेनिक कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके नहीं आया, वो हमसे भी गया गुजरा। उसको सिर्फ एक पेचकस प्लास किसी उस्ताद ने पकड़ाया था, उससे वो अब मैकेनिक बन गया। तो ऐसे नहीं होता है। अबू माशाल्लाह से मेरे इंजीनियर हैं और वो काम बचपन से सीखा है उन्होंने गाड़ियों पे करना करके। भाई उमर भाई गाड़ी चलाने लगे हैं, टेक नंबर 2। हाँ गाड़ी की टेक नंबर 1 ही है मेरी। बिस्मिल्लाह भाई, पहले मैं गाड़ी की व्यू बना लूँ कि पता नहीं है मैनुअल के बाद चलाने के क्या बनेगा इसका। चलो भाई इतना फ्री का पेट्रोल नहीं है, चलो 1 लगाओ, क्लच फुल दबाओ। और पता ही है ब्रेक चला ही रहे होते उतना तो लग गया। क्लच शुरू में ही है बिल्कुल, बस एंड पे नहीं था। रेस नहीं तो बेशक हो भाई, इतनी रेस नहीं थी। वो पैडल जी इसके बहुत नरम है भाई। गाड़ी चला ली इसने बस, ये मुझे पता 10 तक गई थी अभी। और अपनी गाड़ी जैसे वो लेना चाह रहा था वो अपना ख्वाब पूरा करते हुए। गुड। अभी तक नहीं बंद हुई है वैसे। आई अप्रूव। आपको भाइयों वाला मशवरा ऑटोमेटिक है ना, तो उसको मैनुअल कराओ। इनके भाइयों वाले मशवरे नहीं ख़त्म हो रहे। पहले इन्होंने कहा यूनिवर्सिटी ऑटो शो पे नहीं जाना, 3 दफ़ा खुद गए हैं। ठीक है यार भाइयों वाला मशवरा, इसके बाद तो यूनिवर्सिटी ऑटो शो पे ही जाना है आराम से। गुड। बंद कर दिए, चलो फर्स्ट बंद हुई है। लाइटें बंद करके स्टार्ट करते हैं हमेशा, क्योंकि गाड़ी की बैटरी पे जोर आता है। और नेक्स्ट टाइम अब थोड़ा स्टार्ट करो, फिर लाइटें बंद नहीं की। अभी लिटरली बोला ऐसा थप्पड़ लगाए बंदा। क्लच छोड़ो, इसका क्लच बहुत अजीब सा है, बहुत स्मूथ है। लिटरली सारे गांव अब इधर आ गया हमारा गाड़ी देखने, क्योंकि इनसे चल नहीं रही है। अब ये क्या कर रहे हो भाई, पहला गियर है ही नहीं, तीसरा चुनाव है। फर्स्ट यू टर्न बहुत ही फारग लिया, क्योंकि रिवर्स तो लेना पड़ेगा। थोड़ा सा टर्निंग सर्कल का है, थोड़ा छोटा है। और ये हमारा टाउन जो है ना इधर माशाल्लाह से सुजुकी मुड़ती है। इतने बड़े फुटपाथ बना दिए इन्होंने इधर लांतियों ने। नहीं, वेरी गुड टाउन हमारा, हमारा घर है इसमें, इसलिए हम तारीफ़ें करें, ऐसा कुछ नहीं। रिवर्स लगे यार, रिवर्स नहीं लगा भाई। रिवर्स ये पीछे भी देख के, सिर्फ आगे देख के, वो बैक पे तो कुछ नजर नहीं आता। बैक पे लिटरली बस ये भी होता है, तो थोड़ा मुश्किल है। बाकी आपकी सेंसेस होती हैं हर चीज़ में। हाँ सही है, लगाओ नहीं लग रहा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फर्स्ट गियर इसका आ रहा था। इट्स नॉट दैट बिग, आई डोंट शट अप। he's trying to cover now all the shit he said earlier. आपने पहली बार मैनुअल चलाई थी, मैं साथ ही था। लिटरली फॉर का कैरियर चलाने में मैंने गाड़ी सीखी है, उस पर मैंने ड्रिफ्टिंग सीखी है। फॉर का कैरियर। इंसान के दिन भी कितनी जल्दी बदल जाते हैं, पता नहीं चलता। ये मेरे आगे चलता है कि RX8 है, फॉर्म के अंदर भी ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं और पीछे मैं फॉर्म है। रुक जा। फॉर का कैरियर जो पिकअप ट्रक होता है, उस पर मैंने गाड़ी मैनुअल सीखी है। इसको रोज़ कॉलेज जो स्कूल छोड़ता होता था, 8th क्लास में था ये, और ये मेरे साथ बैठता था, तो चलो मैं इसी बहाने जोर लगाया और भगा रहा है। सबसे पहले उल्टा तमाचा इसको लगना चाहिए। मैंने 30 तक गया, खुदा रेस दे रहा है, गाड़ी नहीं चलानी आ रही, रेसें दे रहा ऊपर से। 30 तक गया यार, 30 का मैंने 30 बोला, पहले गियर पे तुमने सो जाना। और अजीब बात है भाई, गाड़ी आई नहीं है, पहले रेसे देने लग जाओ भाई। किसी ने बच्चों को ऐसे नहीं बिगाड़ा होता। RX8 पे बैठ के मैनुअल सीख रहा है यार, 3S बीम्स में बैठ के मैनुअल सीख रहा है। डाला होता इसे किसी मैरान में अभी ऐसे, फिर RX8 चला रहा होता, फिर पता चलता। एम ही ख़राब करने के लिए इसके हाथ चढ़ा दिया भाई। अनस भी स्ट्रेट फ्रॉम मलेशिया इनटू RX8। और रिव्यूज़ फिल वक्त ये हैं कि गाड़ी माशाल्लाह बाहर से बहुत प्यारी। अब ड्राइव लेके बताएंगे क्या हिसाब है। यहाँ पे जंप ना हो, बाकी गाड़ी फिट है। फिर 2000 सीसी है प्रोटॉन गाड़ी। हाँ उमर भाई, पीछे की राइड कैसे? पीछे कंफर्टेबल है, एज करोला टाइप। सेंटर का हमने कंसोल निकाला हुआ है जी। कहाँ? कोरंग में ही चलाई है बस। इंजन तो बता रहा ठीक है, इंजन बहुत बेहतरीन है। मसला इधर आता है जहाँ जंप आता है। प्रोग्राम तो बढ़ गया भाई, हुआ ही है कि प्रोग्राम बढ़ गया। या हम RX8 फॉर यू, हमने ऑर्डर दिया 10,000 के पेट्रोल का, 8,000 का दाल है और अन्नेवा नीचे बैग है। अन्नेवा बैग है भाई। ड्राइव दिया अनस भाई को, तो ड्राइव वगैरह तो बहुत अच्छी है, पर ये थोड़ा सा भी इशू है भाइयों, धक्का लग रहा है क्योंकि थोड़ा डेंजरस है। पेट्रोल नीचे जो गिर रहा है, तो वो डायरेक्ट नीचे जाए, गाड़ी स्टार्ट करें, कोई और डेंजरस काम हो जाए, इसलिए हम धक्का दे के आगे कर रहे हैं फिल वक्त। पर वो ये है कि टैंकी जो है ना भाई, कंटेंट ज़रूरी है। मुसीबत तो आती जाती रहती है। सेट के लिए करना खैर है, बनता है। कोरोना होती तो इधर छोड़ के कर। 2 दिन में गाड़ी 3 दफ़ा जैक पे लग गई है। बाकी अल्लाह खैर करे। पहले दिन में गाड़ी दुकान लेके रिवर्स गियर रेड ड्रॉप नहीं। ये RX8 चलाएंगे, चलने से पहले खड़ी होगी फिलहाल। इंशाल्लाह अब ठीक करेंगे और मज़ा आता है। गाड़ी खुद अपनी ठीक करो तो। अनस भाई का पहला ट्रिप इतना अच्छा नहीं रहा, पर अनस भाई को गाड़ी मज़े की बहुत लगी है। चला के आए, चला के गए, दिल उनका आया वह चला के। चलाने में बहुत मज़े की है ना यार। कपड़े चेंज कर लिए जुम्मे से आके, अब इसको खोलते हैं बैठ के और चेक करते हैं कहाँ से लीकेज आ रही है। चेक लगा लिया मैंने, इसको ऊँचा करता हूँ। ये कुछ पिछला सामान पड़ा है जो ठीक किया था, पावर स्टीयरिंग वगैरह, वो जो लीकेज थी उसकी। बाकी इसका ये वाला शॉक भी थोड़ा वीक है, देखते हैं। अब जैक पे चढ़ा ही रहे हैं, क्योंकि अब एक दफ़ा फिर ये पॉलिश पे देनी है, उससे पहले ये मैकेनिकल वर्क हो जाए तो अच्छा है, वरना क्या फ़ायदा फिर पॉलिश करके उसके ऊपर मैकेनिकियाँ कर रहे हो, फिर गंदी हो जाए वो गाड़ी। तो ये शॉक अब काफ़ी वीक लगा है और काफ़ी हाइट भी नीचे तंग कर रही है। हो सकता है थोड़ा बड़ा स्प्रिंग लगा दें या थोड़ा बहुत स्पेसर रख दें पीछे, अगर यूज़ में रखनी है, वरना गाड़ी फिर वही बात है, शोज़ वाली बन जाएगी जो पहली एक हमारे पास खड़ी है। हो सकता है इसकी हाइट भी ऊंची कर दें, क्योंकि नहीं चलती हैं यार, फ़ायदा क्या है इनका फिर। तो अभी ऐसे तो बहुत हाइट पे लगती है, पर नीचे जब घुसे ना इसके, तो सारा कुछ नीचे इनका लटक रहा होता है। ये पुराने मॉडल का नज़ारा है। अब इसकी ड्राई शाफ्ट और ये सब कुछ नीचे डायरेक्ट टकराता है। तकरीबन उसकी भी इतनी ही हाइट निकल रही है वैसे। तो देखते हैं, अभी कुछ पता किया हमने, शॉक्स का कॉल किया तो कह रहे मिल तो जाएंगे पिछले 2, क्योंकि अगले 2 बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा। पिछले उस हिसाब से बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर ये सोच रहे हैं फिर पिछले भी चेंज कर लें। अभी हो सकता है सारी ये प्लास्टिक निकालनी पड़े। फिटमेंट चेक करते हैं दूसरी साइड। मेरा ख्याल है बम्पर नीचे लग रहा है अब। नहीं, यो फारिक लग रही है मुझे, बिल्कुल ड्रॉप पसंद नहीं आ रहा। Rx8 और जो मार्क एक्स और मार्क टू जो डेड कर देते हैं। हेल्पर आ गया मेरा, शुरू करते हैं। चलो बाहर निकाल लिए प्लास्टिक और पाइप नज़र आ गए हैं पेट्रोल की, लेकिन स्मेल आ रही है। ये पिछली सीट को खोलेंगे तो उसके नीचे फ्यूल पंप का कवर है, इसके 4 स्क्रू हैं, उसको खोल के फिर फ्यूल पंप नज़र आ जाएगा। इसका तो कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे ना। ये आ गया, ये लीकेज है भाइयों, मिल गई है फाइनली। कोई बड़ा इशू नहीं है, इतना सारा पेट्रोल जा रहा है, अल्लाह हाफिज़ हो रहा है। तो बॉयज़ अपडेट ये है कि कल जुम्मा था तो कोई दुकानें नहीं खुली थी। अब ये रिंग निकाला इसका फ्यूल पंप का, यहाँ पर होता है ये रिंग। अब पता नहीं ओरिजिनल है या नहीं है, पर लीक कर रही है अब इधर से ही, वो जो दिखाया था। तो ये आज लाइट का भी देखते हैं, ये लाइट और इस कवर का देख रहे थे, पर अभी उमर भाई ने चलानी है, अभी उनका मैनुअल का भी अभी पक्का नहीं है, तो एम ही फिलहाल लगी ही रहे, कोई नहीं हमें खा रही। यहाँ खूब आए हुए हैं, यहाँ से अभी क्या क्या कर लिया उमर? शौक ले लिया एक, और ये चुप करके बाद में शौक वगैरह आया ना, उस बहाने से कहेंगे हम जा रहे हैं थोड़ी गाड़ी तैयार करने, शौक उधर जाके उतारेंगे। तिल मिल गई एक अद, डालते हैं अब उसका कुछ जुगाड़। सिलिकॉन ले लिया साथ, सिलिकॉन के साथ लगा के जुगाड़, बाकी कुछ स्पेयर पार्ट्स छोटे मोटे क्लिप श्लिप। तो अल्हम्दुलिल्लाह से फ्यूल का जो मसला था वो तो काफ़ी हद तक हल हो गया, क्योंकि हमने जो नई सील लेके आए उसको डबल करके लगा दी, और पंप क्योंकि चूड़ी टाइट होने के बाद भी बीच में हिल रहा था, तो हमने चूड़ी और पंप के बीच में जो गैप है उसको फिल कर दिया, और ऊपर से फिर सिलिकॉन भर दी। सिलिकॉन इतनी परफेक्ट नहीं हुई क्योंकि अभी थोड़ी स्मेल आ रही है, तो वो दोबारा भर लेंगे, पर अल्हम्दुलिल्लाह से फ्यूल लीकेज अब नहीं हो रही है। उसी में अब शॉक लगाने लगे हैं, न्यू लाए हैं। भाई शॉप का नट खोला है, वीडियो में रह गया क्योंकि हमारे वीडियोग्राफर्स बेकार हैं, बहुत ही पैसे हैं भाई, ये पैसे वैसे देते हैं नहीं, ना कोई फ़ायदा करते हैं, ऊपर से बेइज्जती करते हैं ब्लॉग में। मैंने तो ये देखा, हाँ ये कसम से कोई काम खुद नहीं करते, ठीक है मैं पहले बता रहा हूँ, काम नहीं करते ये। डीजल लगा रहे हैं ताकि अच्छी से सफाई हो जाए उसकी, क्योंकि सर्विस वाले इस तरह सफाई तो नहीं करके देंगे हमें। उन्होंने कहा सिर्फ गाड़ी की बॉडी पॉलिश होगी और पावर वॉश होगी, पावर वॉश में कराइए उसके बाद ये हाल है। भाई अब शॉक खोल के बैठे हैं ये, फिर इसकी ओरिजिनल डायग्राम खोली तो उसके अंदर एक स्टॉपर आता है, इसके अंदर वो नहीं है, उसी की वजह से शायद गाड़ी बहुत बैठ रही है नीचे। मेरा ख्याल है कल वीडियो बनाने का कोई नहीं टाइम मिला शॉक निकालने के लिए। ये एक आम इसका ये निकाला है, एक ये भी खोलने की कोशिश की, नहीं निकला है, पर स्टार्ट भी करके चेक कर लिए। बैटरी निकाली हुई है इसकी भी, ऐसी पड़ी हुई थी बीच में दिखाई थी, तो इधर से उसका है कि कोई क्लैंप बना के लगाएं उसको पक्का करें, फिर गाड़ी साइडवेज कुछ होती है तो बैटरी उड़ के इधर पई हुए। निकाल रहे हैं फाइनली, अब जैक से उतार लिए।